हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता दातेर और आज के इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर इनकम टैक्स का नया ऑर्डिनेंस आया है इस साल की शुरुआत में, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में। और यहाँ पे पीएम केयर फंड के लिए अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसकी आप एटीजी के अंदर 100% की डिडक्शन कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कब तक आप कितना डोनेशन दें जिसकी आप डिडक्शन कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर ले सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे जितना हो सके मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। देख पा रहे हैं ये है वो प्रेस रिलीज जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू की गई है और ऑर्डिनेंस है ये जो कि पास किया गया है आज के दिन। और यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि 24 मार्च को अनाउंस किए गए थे, सर्वर आपके स्टेचुरी और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को लेके COVID-19 के आउटब्रेक की वजह से और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए जो यहाँ पे रिलीफ मेजर्स दिए गए हैं 21 डेज के लॉकडाउन की वजह से, तो ये सारे रिलीफ मेजर्स के लिए यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर जो है ऑर्डिनेंस पास किया गया है। और इसकी सेकंड पैरा के अंदर क्लियरली स्टेट किया गया है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है उसके COVID-19 की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे एक खतरनाक बीमारी के रूप में माना है। और इसमें यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि ये डिजीज़ जो है वो एक दूसरे के अंदर फैले ना। तो इसमें जो है कंप्लीट लॉकडाउन जो कि पूरे कंट्री के अंदर यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है और जो कि 14 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इस 21 डेज़ के लॉकडाउन के अंदर यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी दिक्कतें जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में फेस की जा सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे टैक्सेशन लॉ के अंदर बहुत सारे रिलीफ मेजर जो है अनाउंस किए गए थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा 24 मार्च को। और इस प्रेस रिलीज का जो है डिटेल में डिस्कशन जो है मैं कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन सारे रिलीफ मेजर्स के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स लॉ की बात करें तो एक्सटेंशन दिया गया है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एज वेल एज ओरिजिनल एज वेल एज रिवाइज रिटर्न जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर का रिटर्न, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो लास्ट ईयर का रिटर्न आप जो है 31 मार्च 2020 तक भर सकते थे एक साल एक्सटेंड करके, लेकिन अब जो है आपकी ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। तो अब आप जो है असेसमेंट ईयर 2019-20 का रिटर्न आप 30 जून 2020 तक भर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का यहाँ पे जो है रिटर्न फाइल करने में दिक्कत नहीं होगी। रिटर्न अब कैसे फाइल करना है तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहे ITR 1 हो ITR 4 हो, तो उनसे जुड़ी सारी बातें फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए रिटर्न्स के लिंक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद आधार पैन कार्ड के लिंकिंग की बात की गई है कि वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली स्टेट किया गया है कि ATC की छूट आपको चैप्टर 6AB की छूट आपको यहाँ पे दी जाएगी, जिसके अंदर LIC, PPF, NSE एक्सेट्रा यानी कि और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं ATC के अंदर, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे डिडक्शन जो है आप क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 जून 2020 तक। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी है और मुझे कमेंट्स के अंदर भी रिसीव होता है कि अगर हमने 19-20 का इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया है और अगर 2021 के अंदर अगर हम जून तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या उसे हम मानेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए? नहीं, अगर आपने 19-20 का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और उसका इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 जून तक करना चाहते हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं अक्रूवल बेसिस पे, पेमेंट के बेसिस पे 30 जून तक
2020 तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो। लेकिन अगर 2021 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको जो है आप नॉर्मल पर्सन जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आपको फाइनेंशियल ईयर यहां पे कंसिडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको यहां पे डिडक्शन मिलेगी। फिर बात आती है मेडिक्लेम की, तो मेडिक्लेम भी आप यहां पे अगर पे करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 30 जून तक तो वो आप क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पे दिया गया है, क्लियरली लिखा गया है 80G के अंदर डोनेशन के लिए। अगर आप 80G के अंदर डोनेशन देते हैं तो उसकी छूट भी आपको 30 जून तक पेमेंट करने पे आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो डेट लिखी गई है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपको कैपिटल गेन होता है और उसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 54 से लेके 54GB के अंदर, तो उसकी भी डेट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है कैपिटल गेन के लिए और उसका भी बेनिफिट आप 30 जून 2020 तक ले सकते हैं अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो। देयरफॉर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन परचेजेस मेड अप टू 30 जून 2020 शैल बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20। यानी कि अगर आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो उसकी आपको डिडक्शन लेना है तो वो आप जो है 30 जून तक यहाँ पे ले सकते हैं और उसकी डेट यहाँ पे 30 जून तक बढ़ा दी गई है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑर्डर अगर आपके इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटीज़ की तरफ से डायरेक्ट टैक्स बेनामी लॉ की, उसकी डेट भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है TDS को लेके, क्योंकि TDS के रिटर्न्स की फाइलिंग की डेट आ रही है तो उसको लेके यहाँ पे आपकी ड्यू डेट है वो आपकी एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे आपको लेट पेमेंट पे TDS के पेमेंट पे आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको जो देना पड़ता था 18% और 12% उसमें यहाँ पे आपको रिलीफ दे दी गई है। उसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम की भी डेट एक्सटेंडेड हो गई है और इसके अंदर आपको जो है 30 जून तक एक्सटेंशन दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की अगर मैं बात करूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में सबसे पहले आपका सेंट्रल एक्साइज रिटर्न जो कि मार्च से लेके अप्रैल मई और 2020 तक सेंट्रल एक्साइज रिटर्न यानी कि GST की रिटर्न, GSTR 3B वगैरह के रिटर्न्स जो हैं वो आपकी डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद अपील्स की डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है कि अपील अब आप फाइल कर सकते हैं 30 जून तक। उसके बाद अगर आपकी लास्ट डेट है फाइलिंग करने की कस्टम एक्ट के अंदर 20 मार्च से लेकर 29th जून तक, तो उसकी भी डेट यहाँ पे 30 जून कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर आपको अपील फाइल करनी है सर्विस टैक्स के अंदर तो उसकी भी डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है और 30 जून कर दी गई है। सबका विश्वास लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जो 2019 की है इसमें भी डेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दी गई है। उसके बाद बेनामी लॉ टैक्सेशन एक्ट के लिए जो भी यहाँ पे एक्सटेंशन आएगा टाइम लिमिट वो यहाँ पे GST एक्ट के अंदर आएगा, तो उसका भी वीडियो अपडेट मैं आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं हम PM केयर फंड की, तो PM केयर फंड की अगर हम बात करें तो इसमें एक नया इंट्रोडक्शन दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं और मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगी अगर आपने डोनेशन नहीं दिया है तो आप इसमें ज़रूर दीजिए ताकि और भी लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। अगर एक रुपये भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और करोड़ों लोग करते हैं तो वो एक करोड़ बन जाता है और किसी की हेल्प यहाँ पे हो सकती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पीएम केयर फंड को लेके उसको और इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इस डिडक्शन को जो है 100% डिडक्शन कर दिया गया है 80G के अंदर। अगर आप एक रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी आप इनकम टैक्स के अंदर 100% डिडक्शन ले सकते हैं बिना कोई लिमिट के। अदरवाइज यहाँ पे 80G के अंदर जो लिमिट रहती है वो आपकी 10% रहती है ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके कि 80G के अंदर कैसे डिडक्शन क्लेम होती है। और वैसे एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए पीएम केयर फंड के लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी आगे। तो यहाँ पे जो है इसमें लिखा गया है स्पेशल फंड फॉर प्राइमरी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड हैज़ बीन सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे जितने भी पर्सन अफेक्ट हुए हैं उनकी हेल्प के लिए ये फंड यहाँ पे जो है
इस्टेब्लिश किया गया है और इसके इसका मेन मोटिव ही यही है। तो यहाँ पे द ऑर्डिनेंस ऑल्सो अमेंड द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू प्रोवाइड द सेम टैक्स ट्रीटमेंट टू पीएम केयर्स फंड एज अवेलेबल टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। यानी कि नेशनल रिलीफ फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलती है, तो उसका सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे पीएम केयर्स फंड के लिए होगा। देयरफॉर द डोनेशन मेड टू द पीएम केयर फंड शैल बी 100% डिडक्शन अंडर 80G ऑफ द आईटी एक्ट। फर्दर द लिमिट ऑफ ऑन द डिडक्शन 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम शैल नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डोनेशन मेड टू पीएम केयर्स फंड। यानी कि इस फंड के अंदर अगर आप कोई भी तरह का डोनेशन देते हैं तो उसमें आपकी 10% की लिमिट जो है वो आपके यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, जिस लिमिट की मैं यहाँ पे बात कर रही थी एडजस्टेड टोटल इनकम की। उसके बाद एक और गुड न्यूज़ यहाँ पे है, एज द डेट ऑफ क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर 80G ऑफ द आईटी एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 30th June 2020, देन द डोनेशन मेड अप टू 30 June शैल बी और शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फ्रॉम द इनकम ऑफ फिनेंशियल ईयर 2019-20। यानी कि आप उस इनकम से जो फिनेंशियल ईयर 2019-20 की आपकी कैलकुलेट होगी, तो इसके अंदर अगर आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी डिडक्शन आप 100% डिडक्शन आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। हैंस एनी पर्सन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट पेइंग कंसेशनल टैक्स ऑन इनकम फॉर द फिनेंशियल ईयर 2020-21 अंडर द न्यू रिजीम कैन मेक द डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड अप टू 30 June एंड कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G अगेंस्ट द इनकम इन द फिनेंशियल ईयर 2019-20 शैल नॉट ऑल्सो लूज हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स इन कंसेशनल टैक्स रिजीम इन इनकम टैक्स ऑफ फिनेंशियल ईयर 2020-21। तो ये लास्ट लाइन को अगर मैं आपको नट शैल के अंदर समझाऊँ तो इसके अंदर क्लियरली आपका लिखा गया है कि अगर आप 80G के अंदर पीएम केयर फंड के अंदर अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स की डेट जो है वो 30 जून कर दी गई है डिडक्शंस के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आप 30 जून तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक आप इसमें डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि कंसेशनल रेट लेने पे अगर आप कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो उस डिडक्शन को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, उस डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, उस कंसेशनल टैक्स रेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस ऑर्डिनेंस के अंदर क्लियरली स्टेट कर दिया गया है कि अगर आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी ना केवल आप डिडक्शन ले पाएंगे बल्कि उस डिडक्शन के साथ जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बिना कोई बाइंडेशन के आप उसे क्लेम कर सकते हैं उस कंसेशनल रेट को, लेकिन डिडक्शन जो आपको मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर मिलेगी। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई है, ये एक गुड न्यूज़ है, तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।